गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर 13, पेज नंबर 58, सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेट्स स्टार्ट। सरदार वल्लभ भाई पटेल, नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया, वॉज बोर्न ऑन 31 अक्टूबर 1875 इन गुजरात। सरदार वल्लभ भाई पटेल जाने जाते थे आयरन मैन ऑफ इंडिया, मीन्स लोह पुरुष, लोहे के आदमी, ठीक है, लोह पुरुष के नाम से वो जाने जाते थे, जिनका जन्म 31 अक्टूबर को हुआ था 1875 में गुजरात के अंदर, ठीक है। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इंडियन बैरिस्टर्स। वो इंडियन बैरिस्टर्स मतलब वकील होते हैं, ठीक है, बैरिस्टर्स मीन्स वकील। तो जो भारत के वकील थे उस समय में, उनमें सबसे सक्सेसफुल यानी कि सफल बैरिस्टर्स में से वो थे। अ गुड स्टेट्समैन, एक गुड अच्छे स्टेटमैन थे, एंड अ प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर। प्रोमिनेंट मतलब प्रसिद्ध, फेमस, फ्रीडम मीन्स आज़ादी, फाइटर मीन्स लड़ने वाला, आज़ादी के लिए लड़ने वाले जो सिपाही होते हैं, या आप फाइटर कह सकते हो उन्हें, वो उस समय के बहुत प्रसिद्ध, उस समय के क्या आज के भी बहुत प्रसिद्ध प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर रहे हैं वो। ही वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग फादर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। वह फाउंडिंग फादर मतलब जिन्होंने गणतंत्र भारत की खोज की, गणतंत्र भारत की खोज की, पूरे भारत को जो बिखरा हुआ था उसे इकट्ठा किया, ठीक है। हु प्लेड अ लीडिंग रोल इन कंट्रीज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। प्रोमिनेंट फादर भी थे वो, जिन्होंने गणतंत्र भारत की खोज की उनमें से थे, और जिन्होंने बहुत मेन रोल जो है इन कंट्री की स्ट्रगल के लिए, मतलब देश के संघर्ष, देश में संघर्ष के लिए, आज़ादी के लिए जो संघर्ष था उसके लिए उन्होंने मेन रोल अदा किया। बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एंड फियरलेसनेस ही इज एड्रेस्ड एज सरदार। उनकी लीडरशिप मतलब नेतृत्व, आगे बढ़कर किसी का नेतृत्व करना लोगों का, तो उनकी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप और फियरनेस, लेस मतलब निडरता, निडर थे वो, इस वजह से उन्हें सरदार के नाम से जाना गया, सरदार की उपाधि उन्हें मिली। उनका नाम वल्लभ भाई पटेल था, बट उन्हें सरदार की जो उपाधि मिली, नाम मिला, क्योंकि वो उनकी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप और उनकी फियरलेसनेस की वजह से, ठीक है। पटेल गॉट हिज अर्ली एजुकेशन इन करमसद। लेटर ही वेंट टू इंग्लैंड टू स्टडी लॉ एंड रिटर्न टू इंडिया इन 1915। पटेल ने अपनी अर्ली एजुकेशन मीन्स होता है शुरुआती शिक्षा करमसद में ली, उसके बाद वो इंग्लैंड गए जहाँ पर उन्होंने लॉ की शिक्षा की, यानी कानून की शिक्षा ली, और उसके बाद वो भारत लौट गए 1915 में। ही सक्सेसफुली प्रैक्टिस्ड लॉ एट गोधरा, बारसाद एंड आनंद इन गुजरात। उन्होंने अपने लॉ की प्रैक्टिस की, यानी कि कानून की प्रैक्टिस की, जो वो लॉ की डिग्री लेके आए थे, कहाँ पे, गोधरा में, बारसाद में और आनंद में, जो गुजरात में है। पटेल वाज डीपली इंस्पायर्ड बाय द वर्क ऑफ महात्मा गांधी। इंस्पायर्ड मतलब होता है प्रभावित होना, तो पूरी तरह से वो उनसे प्रभावित थे, महात्मा गांधी के काम से। इन 1931 में ही वाज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट उनको चुना गया। पटेल ज्वाइन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड बाय गांधी जी। उसके बाद गांधी पटेल ने, जो गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मतलब असहयोग आंदोलन, उसमें उन्होंने उसमें ज्वाइन किया। ही वाज अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर। सोशल रिफॉर्मर मीन्स समाज सुधारक, वो समाज सुधारक थे बहुत बड़े। हु वर्कड एक्सटेंसिवली अगेंस्ट एल्कोहल कंजप्शन, जो कि पूर्व बहुत बड़े व्यापक रूप मतलब बहुत अधिक व्यापक मंदस होता है, बहुत अधिक मात्रा में जो सेवन करते हैं शराब का, उसका उन्होंने विरोध किया, ठीक है। वैन महात्मा गांधी जी वाज इम्प्रेजेंट,
मतलब कैद में थे जब उन्हें जेल में बंद किया गया, ही लेड द सत्याग्रह मूवमेंट इन नागपुर इन 1923। तो उन्होंने किन्होंने पटेल जी ने सत्याग्रह मूवमेंट को लीड किया या आगे बढ़ाया नागपुर में 1923 में, अगेंस्ट द ब्रिटिश लॉ ऑफ बैनिंग द होस्टिंग ऑफ द इंडियन फ्लैग। ब्रिटिशर ने जो कानून बनाया था, क्या कानून था कि उन्होंने बैन कर दिया था कि कोई इंडियन फ्लैग नहीं फहराएगा, तो इसके विरोध में सत्याग्रह मूवमेंट हुआ था जिनको उन्होंने नागपुर में लेड किया था। एज इंडियाज फर्स्ट होम मिनिस्टर एंड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, पटेल प्लेड अ की रोल इन द इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। एज इंडियन फर्स्ट होम मिनिस्टर, वो भारत के पहले होम मिनिस्टर बने थे एंड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने थे। जब भारत आज़ाद हुआ था सबसे पहले वो होम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने थे। उन्होंने मेन रोल जो है इंटीग्रेशन मीन्स होता है एकीकरण करना, और प्रिंसली स्टेट्स मीन्स राजाओं का शासन। उस समय कई जगह ऐसे थे, कई राज्य ऐसे थे जहाँ पे राजाओं का शासन चलता था, राजा और प्रजा, तो उन्होंने उनको एक करके एक भारत बनाया, एकीकरण किया उन स्टेट्स का। ही डाइड ऑन फ्राइडे, शुक्रवार के दिन, ऑन 15 दिसंबर, 15 दिसंबर था 1950 का सन था, एट बिरला हाउस में इन बॉम्बे, जो बिरला हाउस बॉम्बे में था, ठीक है, वो डाइड हो गए थे, मर गए थे। बट हिज मेमोरीज आर स्टिल अलाइव इन आवर माइंड्स, लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे दिमाग में हमेशा रहेंगी, उनके काम हमारे दिमाग में हमेशा रहेंगे। ओके बेटा, दिस इज़ द एंड ऑफ योर चैप्टर। ओके बाय।